भीड़ तो सारी उधर है, शायद इसीलिए आज हमारे दर्शक थोड़े कम पड़ गए, है ना मंगू? फिर भी कमाई अच्छी खासी ही हुई। वासु, मनु, लाली, आखिर तुम सब आ गए। हाँ, आज अपने वासु की कबड्डी प्रतियोगिता थी ना, जीत के आया है। मैंने बताया नहीं, पर बाल गणेश ने मेरी बहुत मदद की। तभी तो मैं सोचूं, तिनके से वासु में अचानक इतनी ताकत आई कहाँ से? मदद लेने में कोई शर्म नहीं, मैं भी तो तुम जैसा ही हूँ। तुम सबसे कितनी मदद लेता हूँ। डोड़ा, आज शाम मेरे घर आओगे? लाली, अनु और उन दोनों के पिताजी खाने पे आने वाले हैं। मेरे जीतने की खुशी में माँ ने न्योता दिया है। फिर कभी वासु, मैं जरूर आऊँगा। तो फिर तुम सब चलो, कल सुबह जल्दी मिलेंगे, छुट्टी है ना? ठीक है। अगर अपना मन बदलो तो आ जाना, बड़ा बरगद का पेड़ जिस आंगन में है ना, वही हमारा घर है। लाली को ये चिड़िया पसंद आएगी ना मंगू? दो घंटे से ढूंढ रहा हूँ, उस बुद्धू चिरकुट ने मुझे ठीक तरह से जगह भी नहीं बताई। अब कहाँ मिलेगा वो? इन सब का कितना? इस भिखारी डोगटा के पास इतने पैसे आए कहाँ से? अभी पता करता हूँ। अबे जाता किधर है? क्यों बे चूहे, बहुत पैसे उड़ा रहा है? आए किधर से? चिल्लाएगा तो नहीं, वरना तेरा ये बंदर कलाबाजी दिखाकर कमाए हैं मंगू और मैंने। मंगू नाम भी रख लिया, वाह। कराल, कराल, कराल। मैं यहाँ हूँ गधे। कितनी देर लगा दी, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। देख, जल्दी बक जो भी बकना है, मुझे और भी काम संभालने। काम आज रात को करना होगा, कल नहीं। साटो जी को पता चला है आज उन्हें मंदिर के पास स्थित एक घर में ठहराया जा रहा है। गणेश मूर्ति के आभूषण भी वहीं तिजोरी में बंद है। कल तक दरोगा शायद आभूषण कहीं और रख दे, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। अरे साधु जी ने गहने देखे, वो मुकुट अकेला ही लाखों के मूल्य का है। तुम गणेश जी के आभूषण लूटने वाले हो? देख दोड्डा, दूर का रिश्ता ही सही, तू मेरा भांजा है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुम्हें तब नहीं मारूंगा जब तुम होश में नहीं हो।
और रही तेरे इस मंगू की बात, मुझे लगता है कि ये जानवर वाकई कमाल का होगा कि तुझ जैसे को भी कलाबाज का नाम दिला दिया। आज रात के इस काम के बाद ये तमाशा, ये कर्तव्य सब बंद, पुरानी किताब बंद और जिंदगी की नई कहानी शुरू। और इस कहानी में तुम मुझे दिख नहीं रहे। बाकियों से बोलो कि सारे तंबू हटा दें, मेरे वापस आने तक मैदान साफ हो जाना चाहिए। नाव में चढ़ने से पहले जला देना।